आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष से सीबीआई ने तीसरे दिन शुरू की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। वह सीजीओ कार्यालय पहुंच चुके हैं। आज उनको तीसरे दिन की पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। वारदात के समय संदीप घोष अस्पताल के प्रिंसिपल थे। पहले दिन सीबीआई ने घोष से करीब 15 घंटे की पूछताछ की थी। दूसरे दिन भी लंबी इंक्वायरी हुई। शनिवार को सीबीआई ने संदीप घोष से करीब 13 घंटे पूछताछ की थी। संदीप के साथ शनिवार को कोलकाता पुलिस के 3 कर्मी भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, जिनमें से एक आरजी कर पुलिस चौकी के प्रभारी थे। हालांकि देर रात तक संदीप घोष अकेले ही सीबीआई दफ्तर में मौजूद थे। आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद संदीप घोष का नाम सामने आया था। डॉक्टर और छात्रों का आरोप था कि संदीप काफी प्रभावशाली हैं और वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण उनके इस्तीफे की मांग उठी थी। इसी बीच संदीप ने सोमवार को मीडिया के सामने आकर इस्तीफे की घोषणा की और स्वास्थ्य भवन में जाकर आरजी कर के प्राचार्य और प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने संदीप को एक अन्य सरकारी अस्पताल के प्राचार्य पद पर नियुक्त कर दिया, जहां उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इस दौरान आरजी कर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संदीप को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। तब से संदीप छुट्टी पर हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष से सीबीआई ने तीसरे दिन शुरू की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। वह सीजीओ कार्यालय पहुंच चुके हैं। आज उनको तीसरे दिन की पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। वारदात के समय संदीप घोष अस्पताल के प्रिंसिपल थे। पहले दिन सीबीआई ने घोष से करीब 15 घंटे की पूछताछ की थी। दूसरे दिन भी लंबी इंक्वायरी हुई। शनिवार को सीबीआई ने संदीप घोष से करीब 13 घंटे पूछताछ की थी। संदीप के साथ शनिवार को कोलकाता पुलिस के 3 कर्मी भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, जिनमें से एक आरजी कर पुलिस चौकी के प्रभारी थे। हालांकि देर रात तक संदीप घोष अकेले ही सीबीआई दफ्तर में मौजूद थे। आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद संदीप घोष का नाम सामने आया था। डॉक्टर और छात्रों का आरोप था कि संदीप काफी प्रभावशाली हैं और वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण उनके इस्तीफे की मांग उठी थी। इसी बीच संदीप ने सोमवार को मीडिया के सामने आकर इस्तीफे की घोषणा की और स्वास्थ्य भवन में जाकर आरजी कर के प्राचार्य और प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने संदीप को एक अन्य सरकारी अस्पताल के प्राचार्य पद पर नियुक्त कर दिया, जहां उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इस दौरान आरजी कर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संदीप को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। तब से संदीप छुट्टी पर है।